हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कहूँ स्लीव का बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन, जिसे बनाने के लिए मैंने 3 लेसेस यूज़ की हैं। और आप भी इसी तरह से अपनी प्लेन कुर्ती को अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है, जो मैंने 20x20 इंचेस का लिया है। और इसी तरह से हमें इसे 4 फोल्ड कर लेना है, क्योंकि अब इसमें से हम अम्ब्रेला फ्रिल कट करेंगे। तो आपको जितनी लॉन्ग अपनी फ्रिल बनानी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। मैं 9.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। मैं इसी तरह कॉर्नर पे रखते हुए सारे मार्क्स लगा लेने हैं 9.5 इंच पर। हमें इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक मार्क लगा लेने हैं और इसी तरह इन मार्क को मिला लेना है। अभी हमने नीचे मार्क कर लिए हैं। अभी हम जो स्लीव का हमारा होल आएगा उसके लिए मार्क कर रहे हैं। मैंने 4 इंच पे मार्क लगाया है। आपको ये वाला मार्क अपनी स्लीव जहाँ पे आपको फ्रिल अटैच करनी है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग लगाना है। और इसी तरह हमें हाफ सर्कल बना लेने हैं। अब हमें इसी शेप में इसे कट कर लेना है। अगर आप लॉन्ग फ्रिल चाहती हैं तो आपको फैब्रिक ज्यादा लेना होगा। अभी हमने सर्कुलर शेप में कट कर लिया है और हम इसमें से हाफ यूज करेंगे दोनों स्लीव के लिए। तो इसी तरह हमें कट कर लेना है। तो ये जो फ्रिल हमारी दोनों स्लीव्स के लिए रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं फुल सर्कल मैंने कट किया है, जिसमें से हम हाफ हाफ सर्कल एक एक स्लीव के लिए यूज करेंगे। तो अभी हम इसी तरह से इस पे पोम पोम लेस अटैच करेंगे। ये लेस जो है दोनों स्लीव के लिए लगभग 1.5 मीटर यूज हुई है। मैंने सिंगल फुट मशीन पे लगाया हुआ है और इसी तरह हमें इसके एजेस पे सिलाई लगाते हुए हमारी लेस को एंड तक अटैच कर लेना है। और फ्रेंड्स, इसी कुर्ती का मैंने नेक के डिज़ाइन की वीडियो पहले शेयर की हुई है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। हमें इसके एजेस पे सिलाई लगानी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले इसे प्रेस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो पोम पोम लेस को अटैच कर लिया है, ये इस तरह से फिनिशिंग लुक आएगी इसकी लगने के बाद। तो अभी हम इसके लिए स्लीव रेडी करते हैं। तो ये जो मल्टी कलर लेस है, ये लगभग 30 इंचेस यूज हुई है दोनों स्लीव के लिए। और हमें इसी तरह से लेस को सीधी साइड रखते हुए जहाँ जहाँ पे हमारा वर्क खत्म हो रहा है उसके साथ साथ हमें सिलाई लगानी है और इसका सेंटर भी मार्क कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव है और हमें इस पे भी हमारे सेंटर में वी शेप का कट लगा लेना है। और दोनों सीधी साइड दोनों की हमें एक तरफ रखनी है और कट को मिलाते हुए हमें इस तरह से इसे टर्न कर लेना है उल्टी साइड। और जो सिलाई हमने पहले लगाई है लेस के वर्क के साथ साथ, उसी सिलाई के ऊपर अब हमें हमारी फ्रिल को अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारी फ्रिल अटैच हो गई है हमारी स्लीव के साथ। और इसके ऊपर जो है, मैं ये वाली लेस यूज कर रही हूँ, ये भी मैंने 30 इंचेस यूज की है। मैं इसकी एक साइड ही ये लेस लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप ऊपर नीचे दोनों साइड लगा सकते हैं। और अभी हम इसके ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, इतनी ये लुक इसकी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगती है, उतनी ये बनने में भी आसान है। और इसी तरह हमें इसकी फिटिंग सिलाई भी लगा लेनी है। तो अभी जो है हमारी स्लीव रेडी है। और आप भी इसी तरह लेसेस यूज करके अपनी कुर्ती को और भी स्टाइलिश लुक देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी स्लीव कितनी ब्यूटीफुल बनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप भी इसी तरह से अपनी स्लीव को, अपनी कुर्ती को अट्रैक्टिव बना सकते हैं लेसेस के साथ, जो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैं तो मुझे फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आपने मेरे वर्क को इतना अप्रिशिएट किया है, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आऊंगी। तो प्लीज़ इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें, मुझे सपोर्ट करें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।